नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल भारत पर्यटन में। और आज हमारे साथ है भारतीय सेना के सैनिक पांड्या कुमार जी, जो हमें LTT के बारे में जानकारी देंगे। पांड्या जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। LTT संगठन किस राज्य से? तमिलनाडु और पांडिचेरी में। तमिलनाडु पांडिचेरी दोनों मिलकर तमिलनाडु। और इसका मुखिया कौन है? वेलुपुली प्रभाकर। वेलुपुली प्रभाकर प्रभाकर जी। पांड्या जी, LTT क्या है? LTT लिबरेशन तमिल टाइगर ईलम जी। ये तमिलनाडु से जो मच्छी पकड़ने के लिए गया, उधर जो एक थीव का श्रीलंका उस्टम यहाँ से चलता उधर गया हुआ है मच्छी पकड़ने के लिए। उधर रुक लेते हैं, उधर से मच्छी पकड़ के लेके आते हैं, उधर ही रख लेते हैं। उधर मतलब जनता का उधर कमजोर था, इसलिए इन लोगों को रखने उधर रुकने का रुक लिया जी। रुकने के बाद कम से कम 10-20 साल लोग गया, उन लोगों को उधर का जमीन का मतलब थराटी बन गया, यहाँ रुक सकते हैं बोलते। LTT की हिस्ट्री क्या है पांडे जी? हिस्ट्री इसलिए हुआ था, जो 50 साल से ऊपर हो गया जनता, उधर का जमीन का अथॉरिटी होना चाहिए जी, वहाँ रहने के लिए अथॉरिटी होना चाहिए जी। तो वो मांगना शुरू कर दिया, उन लोगों ने मना करना शुरू कर दिया। तो मना करने के बाद हमारा पास इतना तगड़ा बंदा था नहीं, तमिलनाडु का उधर का कोई अच्छा बंदा है नहीं। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था हिंदुस्तान का जी। तो उन लोगों ने जनता ने उधर से रिपोर्ट दिया इंदिरा गांधी को, बोला हमारा यही प्रॉब्लम है, हमारा कोई सेट आउट करो जी। तो बोला ठीक है, ऐसा करो एक नेता बनाओ उन लोग से, उसके मुताबिक एक नेता के तौर से जाओ लड़ाई, मतलब उन लोग से लड़ाई मत करो, मतलब बातचीत करो। तो हमारा एक प्रभाकर प्रभाकर उसका पूरा नाम, वो हेड थे, हेड उसका हेड बनाया। उसके मुताबिक हम लोग ने किया उधर बात करने के लिए जी। मतलब हम लोग मतलब हमारा स्टेट वाला ने, स्टेट लांगोरी वाला ने जी। तो उधर क्या किया, उन लोगों ने मना कर दिया। मना करने के बाद हड़ताल करताल मतलब छोटा छोटा लड़ाई ऐसे करके लास्ट में हथियार के साथ चले गए जी। हथियार के साथ चलने के बाद उस टाइम हिंदुस्तान के सेना के साथ भी लड़ाई था, पाकिस्तान की तरफ भी लड़ाई था जी। तो इधर सपोर्ट नहीं कर पा रहा था इंदिरा गांधी से, उसने बोला ठीक है मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा, आप लोगों लड़ाई कंटिन्यू रखो जी, है कि नहीं जी। तो कंटिन्यू रखा उस टाइम, लड़ाई आधा पहुंच गया था, आधा जमीन मतलब हो रहा था जी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी मरी, जानता नहीं हड़ताल मतलब जैसे छोटे मोटे लड़ाई करने लग गया। इंदिरा गांधी ने बोला मैं सेना का पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, यहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे आप लोग कुछ लड़ाई करो, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी का सपोर्ट हो गया पंजाब का जो छोटे मोटे लड़ाई में वो उधर हो गया। उसके बाद LTT अपने तरीके से लड़ाई करता रहा। उसके बाद राजीव गांधी जी आ गया, राजीव गांधी जी आने के बाद फुल सपोर्ट दिया था LTT, वैसी बात नहीं, LTT फुल सपोर्ट दिया। माने के बाद लड़ाई फुल पहुंच गया था मकसद में, हमारा अंडर में आ गया, पॉलिटिकल में आ गया, मतलब जो भी आ गया, मतलब पूरा नेता लोग मिलकर लड़ाई कंटिन्यू हो गया। लास्ट में श्रीलंका ने आके राजीव गांधी के पास सरेंडर हो गया, सरेंडर हो गया, बोला मेरे को अभी आप लोगों को मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। कौन बोला? श्रीलंका वाले ने बोला हाँ, अभी आप जो बोलोगे वो सभी तो जाऊंगा, अभी इन लोग वापस लो, इन लोग सरेंडर करो। तो राजीव गांधी ने उसकी बात में आके LTT को सरेंडर करने के लिए बोल दिया, LTT ने मना कर दिया जी। तो यहाँ से भारत सेना किया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ LTT का हुआ, LTT का नुकसान हुआ पूरे।